और रोल करो सर। ये मूवी किस तरह से बनने वाली है? किस तरह से बनने वाली है? जिस तरह से फिल्म बनती है उसी तरह से फिल्म बनेगी। बाकी ये एक अलग फिल्म है, औरत प्रधान फिल्म है, और इससे पहले भी मैंने रानी के साथ एक औरत प्रधान फिल्म की थी, फूल बने लंगार। उसके बाद ये सेकंड मूवी है और इसकी कहानी बहुत अच्छी है। डायरेक्टर मिस्टर कौशल किशोर, उन्होंने मुझे जब कहानी सुनाई तो मैंने इमीडिएट उनको हाँ कर दी थी और काफ़ी अच्छी कन्विंसिंग पावर लगी। इसीलिए मुझे लगा कि डायरेक्टर अपने आप में बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। नहीं, नाम रखा गया जख्मी औरत, तो कैसे नाम के लिए? अब जख्मी औरत आप खुद समझ आ रहे हैं, बट जख्मी औरत को मैं अभी रिवील नहीं करूँगा। लाइन एक्चुअली थोड़ा लाइन अलग है तो थोड़ा उसको बंद रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है। बट जख्मी औरत लोगों को पता चल जाए, टाइटल से पता चल जाता है कि औरत के ऊपर अत्याचार की कहानी है और उसमें थोड़ा सा कुछ अलग है, तो बाकी फिल्म बनने के बाद पता चल जाएगा। थैंक यू। आप क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? सर, मैं यही कहूँगा फिल्म के बारे में कि यह जो फिल्म बनाई जा रही है वह आज तक जो आपने फिल्में देखी हैं भोजपुरी की, उस लीक से टोटली हटकर है। जैसा कि फिल्म का टाइटल कहता है, जख्मी औरत, और जैसा कि हमारे सर ने बताया आपको, दीपक साहब ने, कि यह औरत पे अत्याचार की कहानी है। लेकिन इस कहानी में जो घटनाएं जोड़ी गई हैं, जिस तरह से डायलॉग्स दिए गए हैं, जिस तरह से सिचुएशंस दिए गए हैं, वह अद्वितीय है और इससे पहले भोजपुरी में नहीं आई थी। किस तरह से किरदार होगा आपका? मैं इसमें विलेन का किरदार कर रहा हूँ और कॉलेज का विलेन हूँ जो कॉलेज के पॉलिटिक्स में एक्टिव रहता है। और इसमें चार विलेन हैं जिसमें से एक मैं भी हूँ, जो पूरी पूरी इस कहानी का ताना बाना बुनते हैं, और इन चार विलेन का बुना हुआ ये कहानी है, उसमें मैं भी एक पार्ट हूँ। सर, आप क्या कहेंगे? मैं अशोक त्यागी। बस जो कहना था हमारे भाईजानों ने बोल दिया है, मैं जरा कुछ क्या बोलूँगा, अब जो देखना है वो आगे देखिए। जख्मी औरत में जैसे कि चार विलेन हैं, तो लेकिन सबका कुछ ना कुछ किरदार, हाँ, सेट्स अलग मेरा हमारा किरदार विलेन का है और हमारे भाई जी साथ में खड़े हैं जो भाटिया, हमारे विलन साहब खड़े हैं साथ में हमारा, जो पूछना है हमारे भाई साहब से पूछ लीजिए। थैंक यू। धर्मेंद्र जी, आप क्या कहेंगे फिल्म को लेकर के? जख्मी औरत, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा अपने भोजपुरी दर्शकों को। मैं धर्मेंद्र सिंह। जख्मी औरत, जैसा कि टाइटल से ही लगता है, यह फिल्म एक नारी प्रधान फिल्म होगी और हम जानते हैं कि सृष्टि का आधार ही नारी है, औरत है, और औरत के जीवन में तमाम तरीके की जटिलताएं हैं, तमाम तरीके की समस्याओं से लड़ते झगड़ते वो अपने बच्चों का जीवन या अपने परिवार का जीवन पालती है। तो उस बीच अगर हम नारी को केंद्र रख के कोई भी फिल्म बनाते हैं, आज तक जब जो इतिहास रहा है वो अक्सर हिट हुई है और अच्छा है कि एक नारी प्रधान फिल्म में काम कर रहा है। जैसे कि इस फिल्म में चार खलनायक है, एक खलनायक आप भी हैं, तो जैसे सबका तो जी 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 चारों विलन अपने तरीके से हैं। भाटिया जी प्रमुख हैं, केंद्र हैं, उनके आसपास ही हम लोग हैं, हम सारे हैं। मेरा एक अयास का बिंदास बंदे का कैरेक्टर है, जो दीपक जी के सारे काम को देखता हूँ मैं, इस टाइप का कैरेक्टर है। और बाकी आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में क्या कहेंगे? जी, अभी मेरी एक फिल्म आ रही है चुनू बाबू सिंगापुरी और बुलंदी, उसके बाद ये फिल्में हैं अभी पाइपलाइन में जो रिलीज हुए हैं। मैं चुनू बाबू सिंगापुर में सेकंड हीरो भी हूँ और ये विलन के तौर पे ये फिल्म कर रहा हूँ। मुझे सुना है कि आप हर फिल्मों में कुछ ना कुछ अलग वेरिएशन होती है, रहता है आपका किरदार, तो आगे किस तरह से भूमिकाएं करना है आपको? या जो विलन करेंगे या अलग अलग सेट्स में? देखिए, एज एन एक्टर कोई बंदिश नहीं होती है। हमारा जो डायरेक्टर है वो जिस रूप में मेरे पे बिलीव करता है, मैं उसको 100% करने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए कोई बंध नहीं है कि मैं विलन करूँ या एक किस चरित्र में। मेरा जो निर्देशक है वो देखता है, ये मायने रखता है। अगर मुझे वो कहता है कि तुम कॉमेडी के चरित्र में इस फिल्म में ऐसे लगते हो, तो मैं सोचता हूँ मैं 100% जो एक अभिनेता के तौर पे मुझे करना चाहिए, मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू। मेहता है,